दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आज खत्म हो रही है 6 दिन की ईडी रिमांड। दोपहर 2 बजे राउल्स एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। ईडी कोर्ट से सीएम केजरीवाल की रिमांड बढ़ाने की कर सकती है अपील। ईडी ने केजरीवाल पर शराब घोटाला का किंगपिंग होने और साउथ ग्रुप से 1 करोड़ रुपए लेने का लगाया आरोप। सूत्रों के मुताबिक ईडी की रिमांड खत्म होने पर सीबीआई मांग सकती है केजरीवाल की रिमांड। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया सहित शराब कंपनियों के मालिकों के खिलाफ केस दर्ज किया। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का दावा, केजरीवाल शराब घोटाला मामले में करेंगे बड़ा खुलासा, कोर्ट को बताएंगे कौन है घोटाले का असली गुनहगार। सुनीता केजरीवाल के दावे पर बीजेपी ने उठाया सवाल, जानकारी थी तो पहले क्यों नहीं बताया, गिरफ्तारी का क्यों इंतजार करते रहे। दिल्ली हाईकोर्ट में सीएम केजरीवाल के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई। याचिका में केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग की गई। दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं, ईडी को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक मांगा जवाब। केजरीवाल की याचिका पर अब 3 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को बताया वैध। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने ईडी को हाईकोर्ट के नोटिस का स्वागत किया, कहा ईडी के पास केजरीवाल और हाईकोर्ट के सवालों का जवाब नहीं, इसलिए कोर्ट से मांगा समय। ईडी ने गोवा में आम आदमी पार्टी के 3 नेताओं को भेजा समन, अमित पालेकर, रामा राव वाघा और दत्ता प्रसाद नाइक को पूछताछ के लिए आज किया तलब। ईडी की जांच के मुताबिक साउथ लॉबी से मिले 100 करोड़ रुपए में से 45 करोड़ गोवा चुनाव में हुए खर्च, मुंबई के एक हवाला कारोबारी के जरिए गोवा पहुंचाए गए थे पैसे। गोवा के नेताओं को ईडी के समन पर आम आदमी पार्टी का बयान, ईडी फैला रही है झूठ। दत्ता प्रसाद नायक और अशोक नायक आम आदमी पार्टी के नहीं बल्कि बीजेपी के नेता। आम आदमी पार्टी ने ईडी को बताया बीजेपी का राजनीतिक हथियार, कहा ईडी मजाक बनाकर रह गई है। बीजेपी नेता मंजिंदर सिंह सिरसा बोले केजरीवाल का जेल से सरकार चलाने का सपना टूटा। दिल्ली के एलजी ने कहा जेल से सरकार नहीं चलेगी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का केजरीवाल पर अटैक, ईडी कस्टडी में होने पर दिल्ली के लोगों की सेहत की चिंता होनी कमी। 31 मार्च को दिल्ली में इंडिया अलायंस की रैली, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर लवली बोले लोकतंत्र बचाने के लिए होंगे एकजुट। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के कार्यवाहक मिशन उप प्रमुख को किया तलब, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी पर जताई नाराजगी। भारत की अमेरिका को 2 टूक कूटनीति में दूसरों की संप्रभुता और आंतरिक मामले का सम्मान करना चाहिए। टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोहित्रा से ईडी आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में करेगी पूछताछ। ईडी ने महुआ को दिल्ली में पेश होने के लिए भेजा तीसरा समन। ईडी में महुआ मोहित्रा के साथ उनके दोस्त दर्शन हिरानंदानी को भी तलब किया। फेमा के प्रावधानों के तहत महुआ का होगा बयान दर्ज। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम की 8वीं लिस्ट जारी की। झारखंड और एमपी से 3-3 जबकि तेलंगाना और यूपी के 4-4 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। कांग्रेस सीईसी की बैठक में 20 सीटों पर नाम तय, यूपी की 6 सीटों पर बनी सहमति। सूत्रों के मुताबिक गाजियाबाद से डोली शर्मा और महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी को मिल सकता है टिकट। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की 31 मार्च को होगी अगली बैठक। यूपी की अमेठी और रायबरेली सीट पर चर्चा होनी बाकी। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे का आज होगा ऐलान। सूत्रों के मुताबिक 9 सीटों पर हो गया है समझौता। आरजेडी ने बीमा भारती को बनाया पूर्णिया से उम्मीदवार। बीमा भारती आज दाखिल करेगी नामांकन। बीमा भारती ने पार्टी सिंबल लेते हुए तस्वीर शेयर की, लालू यादव ने दिया सिंबल। बीमा भारती के ऐलान पर बोले पप्पू यादव, गठबंधन के शीर्ष नेता लेंगे फैसला, पूर्णिया छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। महाराष्ट्र में महायुति का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार, आज मुंबई में सीटों का किया जाएगा ऐलान। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार करेंगे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूत्रों के मुताबिक लगभग सभी सीटों पर बन गई है सहमति। नवनीत राणा नागपुर में बीजेपी में हुई शामिल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने सौंपी हनुमान की मूर्ति। नवनीत राणा ने जताया पीएम मोदी का आभार, कहा पिछले 5 साल से पीएम मोदी के आइडिया पर कर रही हूं काम, हमारी विचारधारा में फर्क नहीं। बीजेपी ने उम्मीदवारों की 7वीं सूची जारी की, अमरावती से नवनीत राणा और चित्रदुर्ग से गोविंद करजोल को उतारा। नवनीत राणा की उम्मीदवारी पर महायुति में कलह, शिंदे गुट के आनंद राव और प्रहार जनशक्ति के बच्चू कडू को ने जताई नाराजगी। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की बैठक पर बोले बालानंद गांवकर, गठबंधन पर पार्टी जल्द करेगी ऐलान। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भरा नामांकन, कहा 5 लाख वोटों के अंतर से जीतूंगी चुनाव। कांग्रेस और उद्धव गुट में जुबानी जंग से नाराज शरद पवार, कहा दोनों को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। शरद पवार की शिवसेना यूबीटी को नसीहत, बिना बात किए उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं करनी चाहिए थी जारी, हम गठबंधन का करेंगे पालन। शिवसेना यूबीटी की लिस्ट आने के बाद भड़के संजय निरुपम, कहा पार्टी नेतृत्व ने उद्धव गुट के सामने किया सरेंडर। संजय निरुपम ने कहा खिचड़ी और उम्मीदवारों के लिए नहीं करेंगे काम, बगावती अंदाज में बोले मेरे पास खुले हैं विकल्प। उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत का पलटवार, पूछा कौन है संजय निरुपम। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका ने कहा गठबंधन मिलकर लड़ेगा चुनाव, बातचीत से दूर हो जाएगा विवाद। दक्षिण मध्य मुंबई से टिकट मिलने से खुश अनिल देसाई, कहा खुद को साबित करूंगा।
टिकट मिलने के बाद मुंबई के चेंबूर पहुंचे अनिल देसाई, शिवाजी की प्रतिमा पर पहनाया फूलों का हार, आदित्य ठाकरे भी रहे मौजूद। उद्धव गुट की कांग्रेस की दो टूक, गठबंधन धर्म का पालन करे, सांगली उत्तर मध्य मुंबई सीट पर फिर से विचार करे। उद्धव गुट की लिस्ट जारी होने पर बोले, राहुल शिवाले संजय राउत है तो अगाड़ी में बिगाड़ी होना तय। महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, 8 उम्मीदवारों का किया ऐलान। प्रकाश अंबेडकर से जितेंद्र आव्हाड की अपील, फैसले पर दोबारा करे विचार, फासीवादी ताकतों को ना पहुंचाए फायदा। महाराष्ट्र के सतारा में बीजेपी उम्मीदवार उदयन राजे भोसले का जोरदार स्वागत, कार्यकर्ताओं ने बरसाए फूल, उदय राजे ने शिवाजी की प्रतिमा हार चढ़ाकर जीत का आशीर्वाद दिया। यूपी की मुरादाबाद सीट से रुचि वीरा होंगी एसपी की अधिकृत प्रत्याशी, एसटी हसन का टिकट कटा। नामांकन दाखिल करने के बाद बोली रुचि वीरा, मुझे अखिलेश ने आशीर्वाद दिया, आजम खान का भी आभार जताया। टिकट कटने के बाद बोले सपा सांसद एसटी हसन, पार्टी का फैसला स्वीकार। रामपुर से मौलाना नदवी होंगे सपा के उम्मीदवार, आजम खान के करीबी असीम रजा ने भी नॉमिनेशन फाइल किया। सपा में मचे घमासान पर बीजेपी का तंज, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, इनके पास ना टिकट लेने वाले हैं और ना ही लड़ने वाले। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान, सपा में कैंडिडेट्स को लेकर कलह से बीजेपी की जीत का रास्ता साफ होगा। मुरादाबाद रामपुर के बाद अमरोहा में हंगामा, प्रत्याशी दानिश अली के सामने भिड़े सपा और कांग्रेस कार्यकर्ता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज तूफानी दौरा, मुजफ्फरनगर शामली और सहारनपुर में करेंगे चुनावी सभा। यूपी के मेरठ में सीएम योगी ने किया चुनावी शंखनाद, बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल के लिए मांगे वोट। मेरठ से बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, होली पर एक ही गाना सुनाई दिया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की इंटरनल मीटिंग, जेपी नड्डा अमित शाह बीएल संतोष हुए शामिल, सूत्रों के हवाले से खबर। बक्सर से टिकट कटने के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात की, आज करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द की। एमपी के छिंदवाड़ा में बीजेपी उम्मीदवार विवेक बंटी साहू ने किया नामांकन, सीएम मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय रहे मौजूद। कमलनाथ के गढ़ से सीएम मोहन यादव का निशाना, कहा छिंदवाड़ा में कैलाश विजयवर्गीय डटे हुए, चिंता की कोई बात नहीं। छिंदवाड़ा जीतने के बीजेपी के दावे पर बोले कमलनाथ, वो कुछ भी कहे जनता तय करेगी। राजस्थान के राजसमंद से कांग्रेस प्रत्याशी सुदर्शन सिंह रावत हुए नॉट रीचेबल, चिट्ठी जारी, कहा चुनाव नहीं लड़ना चाहते। महाराष्ट्र के गोरेगांव में इलेक्शन कमीशन का सर्विलेंस टीम का एक्शन, 1,76,00,000 रुपए किए गए सीज। चुनाव आयोग ने बीजेपी सांसद दिलीप घोष और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत को जारी किया कारण बताओ नोटिस, गलत टिप्पणी करने का मांगा जवाब। चुनाव आयोग दिलीप घोष पर कठोर एक्शन ले, उनकी उम्मीदवारी को रद्द करे, टीएमसी नेता शशि पांचा की मांग। उधमपुर में बीजेपी उम्मीदवार जितेंद्र सिंह ने चुनाव प्रचार के लिए निकाली बाइक रैली, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। उधमपुर में योग के जरिए वोटर्स को किया जा रहा है जागरूक, लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में शामिल कर दिया जा रहा है संदेश। मलेशिया 2 दिन के दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर, विदेश मंत्री ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित, विदेश मंत्री ने भारत चीन के संबंधों पर दिया जवाब। एस जयशंकर बोले, भारतीयों के प्रति मेरा पहला कर्तव्य है सीमा की सुरक्षा करना और इस संबंध में कभी समझौता नहीं कर सकता। चीन के सवाल पर बोले विदेश मंत्री, कहा भारत और चीन के संबंध तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक सैनिकों की तैनाती पहले की स्थिति में नहीं हो जाती। विदेश मंत्री ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा, चीन ने सीमा पर समझौतों का उल्लंघन किया, सीमा सुरक्षा से समझौता करके चीन से संबंध बहाल नहीं किया जा सकता। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबे का आज से 2 दिवसीय भारतीय दौरा, रूस के साथ युद्ध खत्म करने पर हो सकती है चर्चा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ने किया छात्रा का रेप, प्रोफेसर के अंडर में छात्रा कर रही थी पीएचडी। छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन, प्रोफेसर को सस्पेंड करने की मांग की, पुलिस ने प्रोफेसर को किया गिरफ्तार। वाइस चांसलर ने प्रोफेसर को किया सस्पेंड, छात्रा को पीएचडी के लिए अलग से महिला प्रोफेसर देने का किया ऐलान। राजस्थान के अजमेर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 किलो गोल्ड बरामद, पुलिस को करीब 1,00,000 रुपए कैश भी मिला। मुंबई के मलाड में बॉम्बे टॉकीज कंपाउंड में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू, भारी नुकसान की आशंका। आग लगते ही परिसर से उठने लगी आग की ऊंची ऊंची लपटें, आग से किसी की जान को नुकसान नहीं, आग लगने की वजहों की जांच जारी। गोरखपुर में यूपी रोडवेज की बसों में लगाया जा रहा है पैनिक बटन, महिला सुरक्षा को लेकर राज्य भर में रोडवेज की बसों में लगेंगे पैनिक बटन। अधिकारियों के मुताबिक पैनिक बटन दबाने पर कंट्रोल रूम में मिलेगा अलर्ट, बस को वीटीएस के जरिए ट्रैक कर दी जाएगी मदद। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का दावा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव के सामने इसराइल नहीं झुकेगा, हमास के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। गाजा में पिछले 24 घंटे में 81 फिलिस्तीनियों की मौत, जबकि इजरायली हमले में 93 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। गाजा पर इजरायली हमले में अब तक 32,414 लोगों की मौत, जबकि 74,787 फिलिस्तीनी हुए घायल। गाजा के राफे में हुए इजरायली एयर स्ट्राइक में 4 लोगों की मौत, कम से कम 10 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल अटैक पर रूस का बड़ा आरोप, विदेश मंत्रालय के मुताबिक हमले में पश्चिमी देश और यूक्रेन भी था शामिल।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खार्किव पर हुए रूसी हमले का वीडियो जारी किया। मिसाइल हमले में एक रिहायशी इमारत को किया गया था। अमेरिका के बाल्टीमोर में ब्रिज के गिरने के बाद बढ़ी ट्रैफिक की समस्या। एक दिन में होती थी करीब 34,000 से ज्यादा गाड़ियों की आवाजाही। ब्रिज के गिरने के बाद दो टनल की तरफ ट्रैफिक को किया जा रहा डायवर्ट। दोनों टनल में ट्रैफिक बढ़ने से जाम का खतरा बढ़ गया। जर्मनी में हाईवे पर जबरदस्त बस हादसा। बर्लिन से स्विट्जरलैंड जा रही बस पलटने से 5 लोगों की मौत। मेक्सिको में 18 राज्यों में फैली जंगल की आग। तेज हवा की वजह से आग का फैलना लगातार जारी। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स में होगी टक्कर। जयपुर में होगा मुकाबला। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत का खेला खाता। हाई स्कोरिंग मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 31 रन से हराया। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और एडन मार्करम ने खेली तूफानी अर्शद के पारी। आईपीएल इतिहास का हाई स्कोर बनाया। अभिषेक शर्मा ने 16 गेंदों में अर्धशतक लगाया। आईपीएल में सबसे तेज 50 लगाने वाले बल्लेबाज बने तोड़ा ट्रेविस हेड का रिकॉर्ड। ट्रेविस हेड ने 24 बॉल पर 62 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। हेनरिक क्लासेन ने 34 बॉल पर नाबाद 80 रन बनाए। एडन मार्करम ने 42 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी कर 277 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस 246 रन बना पाई। आईपीएल इतिहास में एक मुकाबले में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड टूटा। हैदराबाद मुंबई के बीच खेले गए मैच में कुल 38 सिक्स लगे। आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड हुआ ध्वस्त। पहली बार एक मैच में 500 रन से ज्यादा।